कैसे छिपाई गई, अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। क्योंकि जो सीआईडी का हेड है उसी को दोबारा री अपॉइंटमेंट दी गई है। इसका मतलब ये इन घोटालों के बीच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, सरकार ही इस घोटाले को करने वाली है और सरकार के अफसर ही इसको दबाने वाले हैं। इसको किसका नाम ज्ञापन दिया है? हमने गवर्नर के नाम से ज्ञापन दिया है डीसी के माध्यम से, और इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, तभी हरियाणा की जनता को इंसाफ मिल सकेगा। यही हमारी और कांग्रेस की, हमारी सबकी डिमांड। इसके सभी कार्यकर्ता, सभी नेता ने, सभी लीडरों ने मिलकर ज्ञापन दिया है मां महिम के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि घोटालों की सरकार है। पिछले 6 सालों के अंदर जितनी भी घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनी है, किसी की एक भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। केवल एक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, वो भी रोहतक के अंदर जब भाई भाई को लड़ाया गया, लेकिन जब उनको उनकी तरफ उंगली उठने लगी उस रिपोर्ट का भी रफा दफा कर दिया गया। आज तक किसी भी एसआईटी का सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई। अभी शराब घोटाले की, चावल घोटाले की और दृष्टि घोटाले की हम मांग करने के लिए आज सारे कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पे सारे जिलों पे हो रहा है। प्रदेश नेतृत्व हमारी बहन शैलजा जी ने, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के प्रदेश अनुसार भी सभी कार्यकर्ता जाकर मांग करें कि सरकार को चिंता किया जाए। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, किसान, मजदूर सब दुखी है और घोटाले में सरकार है। एक भी घोटाले की जाँच की रिपोर्ट सब्जेक्ट नहीं की गई। इसके नाम ज्ञापन दिया आज, आज मां महिम को ज्ञापन दिया। मां महिम के नाम एडीसी साहब आए थे, डीसी को देना, वो मेरे पता लगा शमशेर जी बता रहे थे चंडीगढ़ चले गए हैं, तो एडीसी साहब आए थे, वो ज्ञापन लेके गए हैं। हमारी मांग है कि ऐसी सरकार को तुरंत चिंता किया जाए जिसके ऊपर हरियाणा के लोगों का विश्वास ना रहा हो। आज मजदूर कर्मचारी सब त्राही त्राही जा रहे हैं और रोज रोज यहाँ बिल्डिंगे गिराई जा रही है, अनाथोरी के बहने, और उनको चाहिए कि लोगों को जब इन्होंने कहा था 2016 तक हरेक आदमी का घर पर आके देंगे, तो घर तो क्या बनना था जो बड़े ब्लैक घर में तोड़े जा रहे हैं।